लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इसराइल में कुछ बड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। इसराइल और हमास के बीच युद्ध लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच कहा जा रहा है कि अल अक्सा मस्जिद को लेकर विद्रोह की संभावनाएं हैं। कहा जा रहा है कि जुमे के बाद अल अक्सा मस्जिद आजाद हो जाएगी, जिसे लेकर फिलिस्तीनियों में जश्न है, खुशी का माहौल है। अल अक्सा मस्जिद मुसलमानों के लिए पवित्र स्थान है, वहीं यहूदी भी इसे अपना बताते हैं। आपको बता दें कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच असल विवाद का कारण अल अक्सा मस्जिद को ही बताया जाता है। इसराइलियों ने न सिर्फ उनकी जमीनों पर कब्जा किया, फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किया, बल्कि उनके अल अक्सा मस्जिद पर भी कब्जा कर लिया, जिसे लेकर ये लड़ाई काफी समय से चल रही है। अब कहा जा रहा है कि हमास ने यहाँ पर अल अक्सा मस्जिद वापस लेने की पूरी तैयारी कर ली है। संभावनाएं जताई जा रही है कि जुमे के बाद कुछ बड़ा हो सकता है। अब आप अपने स्क्रीन पर मिश्रा अमरेश का ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने जानकारी जो दी है वो हम आपको साझा कर रहे हैं। साथ ही हमास ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें हमास हथियार, बंदूकें और तमाम चीज़ें जो हैं उन्हें दिखा रही है। यहाँ पर देखिए, लिखा है कि कल जुमे के दिन यानी कि 20 अक्टूबर 2023 गाजा, वेस्ट बैंक, जेरूसलेम और इसराइल ने 1948 से जो फिलिस्तीन के इलाके कब्जे किए हुए हैं उनमें बड़े विद्रोह की संभावना है। यानी कि यहाँ पर गाजा, वेस्ट बैंक, जेरूसलेम, यहाँ पर इसराइल ने 1948 के बाद जो फिलिस्तीन की जगहों पर कब्जे किए हैं वहाँ पर कुछ बड़ा होने की संभावना जताई जा रही है। कुछ बड़ा विद्रोह वहाँ पर हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। उनमें बड़े विद्रोह की संभावना है। हमास ने अरबी में अपील जारी की है, फिलिस्तीनी पक्ष की बात भी सामने आनी चाहिए। हिंदी में अनुवाद, तो इन्होंने हिंदी में अनुवाद यहाँ पर किया है। हमास ने अरबी में क्या अपील की है, वीडियो जारी करते हुए क्या कहा है, इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके मिश्रा अमरेश ने अपने ट्वीट द्वारा बताया हुआ है, जो हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा है, बहुत ही लंबा ट्वीट है, 203 बातें यहाँ पर बताई गई है, 203 यहाँ पर हमास की तरफ से अपील की गई है। यहाँ पर लिखा है कि गाजा पट्टी में हमारे फिलिस्तीनी लोगों, रक्षाहीन नागरिकों के खिलाफ कब्जे और इजरायली फासीवाद सरकार द्वारा किए गए भयानक नरसंहारों के प्रकाश में हम इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन यानी कि हमास आह्वान करते हैं। पहला आह्वान क्या है उनका, वेस्ट बैंक, जेरूसलेम, अल अक्सा और 1948 ईस्वी से इसराइल के अंदरूनी हिस्से की कब्जे वाली जमीन पर हमारे गौरवान्वित फिलिस्तीनी लोग शुक्रवार को गाजा पट्टी में शहीदों के खून का बदला लेने हेतु सभी स्थानों और चौकों को इजरायली कब्जे से मुक्त कराने के लिए संघर्ष करेंगे। तो यहाँ पर हमास जो है वो अब फिलिस्तीनियों से कह रहा है कि खुद उठो और खुद जो है अपने ऊपर नरसंहारों का हिसाब लो। यहाँ पर जो इसराइल ने कब्जे कर रखे हैं, वेस्ट बैंक, जेरूसलेम, गाजा, इन जगहों पर इसराइली कब्जा है, इन जगहों को इसराइली कब्जे से मुक्त कराने की बात कही गई है। यानी कि यहाँ पर साफ साफ जो है विद्रोह छेड़ने की बात की गई है। दूसरा यहाँ पर देखिए, शरणार्थी शिविरों में रहने वाले और प्रवासी फिलिस्तीन एवं पूरी दुनिया की अरब और अन्य पीड़ित जनता फिलिस्तीन के निकटतम बिंदु तक गरजती हुई भीड़ के रूप में आएगी और गाजा पट्टी के बहादुर प्रतिरोध के साथ एकजुट जाहिर करेगी। तीसरा क्या अपील की है उन्होंने, तीसरा यहाँ पर अपील की है कि दुनिया के स्वतंत्र लोग फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सभी शहरों और राजधानियों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे और इजरायली अपराधों, बच्चों, महिलाओं और असहाय नागरिकों के संहारों की प्रतिरोधक निंदा करेंगे। आगे लिखा है, आने वाले दिन हर जगह भारी गुस्से के दिन होंगे, अल अक्सा मस्जिद मुक्त होगी। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि अल अक्सा मस्जिद जो है वो मुक्त होगी। जेरूसलेम में अल अक्सा मस्जिद है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि वेस्ट बैंक, जेरूसलेम और गाजा पट्टी में जो इजरायली कब्जा है उस कब्जे को हटाइए वहाँ से और उस कब्जे के खिलाफ जो है वो विद्रोह छेड़ दीजिए। हमास की तरफ से फिलिस्तीनियों से ये आह्वान किया जा रहा है, अपील की जा रही है। लिखा है, अल अक्सा मस्जिद मुक्त होगी, लोग
घोषणा करेंगे कि गाजा का खून उनका खून है। आने वाले दिनों में घटनाएं बड़े पैमाने पर मार्च और धरने जारी रहेंगे, आक्रामकताएं बनी रहेंगी, नरसंहार और विनाश के युद्ध की इजरायली नीति की हार होगी। अंत में यहाँ पर लिखा है कि प्रतिरोध आंदोलन हमास गुरुवार 4 रबी अल आखिर 1445 हिजरी अनुरूप 19 अक्टूबर 2023। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमास की तरफ से एक वीडियो जारी करके अपील की गई है। यहाँ पर हमास ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें वो हथियार दिखा रहे हैं, और उसी के साथ अमरेश मिश्रा ने एक दूसरा वीडियो भी शेयर किया है। यहाँ पर आप वो वीडियो भी देखिए जिसमें हमास ने वीडियो जारी करके ये बताने की कोशिश की है इसराइल को कि हम अभी भी झुके नहीं हैं और ना हम झुकेंगे। साथ ही यहाँ पर ये भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे पास हथियारों की कमी नहीं है और हमारे हौसले अभी भी जो हैं वो हमारे हौसले जो हैं वो अभी भी वही हैं जहाँ पर पहले थे। आप ये वीडियो देखिए। तो यहाँ पर आपने ये वीडियो देखा, एक दूसरा वीडियो भी देखिए जो अमरेश मिश्रा ने यहाँ पर शेयर किया है। इस वीडियो में जो है धमाकों की आवाज़ सुनी जा सकती है। इस वीडियो में जो है जब वो जूम करते हैं वीडियो में तब वहाँ पर जो है वो धमाके होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि हमास ने जो चेतावनी इसराइल को दी है कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए वीडियो। तो यहाँ पर आपने वीडियो देखा। आपको बता दें कि अल अक्सा मस्जिद इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है, और अल अक्सा मस्जिद को लेकर दुनिया भर के मुसलमानों के लिए, दुनिया भर के मुसलमानों में जो है वो आस्था है। जिस कॉम्प्लेक्स में ये है वो 35 एकड़ में फैला हुआ है जिसे मुस्लिम हरम अल शरीफ के नाम से जानते हैं। वहीं यहूदी की बात करें, इसराइलियों की बात करें, तो यहूदी इसे टेंपल माउंट के नाम से बुलाते हैं, फर्स्ट टेंपल माउंट के नाम से बुलाते हैं। ये मस्जिद 8वीं सदी में बनाई गई थी, और इस मस्जिद को लेकर ऐसी मान्यता है कि 621 में पैगंबर मोहम्मद साहब यहीं से जन्नत गए थे। वहीं आपको बता दें कि अल-अक्सा मस्जिद में मुसलमान नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन उसकी सुरक्षा और उसके बाहर जो गार्ड तैनात रहते हैं वो इजरायली रहते हैं। समय समय पर खबरें आती रहती हैं कि इजरायली सेना जो है वो अल-अक्सा मस्जिद के अंदर घुसी और वहाँ पर जो है लोगों के बीच मारकाट मचाई, नरसंहार किया। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से हमास की तरफ से अल-अक्सा मस्जिद को आज़ाद कराने को लेकर एक बड़ा इशारा दिया गया है, इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।